ये गेट्स ओल्ड मॉडल है, इसमें स्विच बॉक्स यहाँ लगा रहता है। इसका ये चारों पावर विंडो नहीं चलता है, पावर विंडो नहीं चलता है। मैंने सब इसका देखा तो इसका एक स्विच बॉक्स यहाँ लगा रहता है, तो पावर विंडो का आपका रिले कहाँ लगा रहता है, लोकेशन क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये फ्यूज बॉक्स खोलेंगे और देखिए इसका एसीएम यहाँ लगा रहता है। ये फ्यूज बॉक्स खोलना पड़ेगा आपको पावर विंडो स्विच के लिए, और देखिए यहाँ ये रिले लगा रहता है। ये रिले है, मैंने वायर डायरेक्ट किया तो रिले ये पावर विंडो काम करने लगा। तो देखिए काम कर रहे हैं, जैसे मैं निकाल दूंगा ये तो काम करना बंद हो जाएगा, काम करना बंद हो गया। तो मेरा रिले ख़राब था, अभी मैं दूसरा रिले डाल रहा हूँ। इसका लोकेशन यहाँ पे है, इस तरह लगेगा ये। चलना चालू हो गए, पकड़ो से चलो नहीं चालू रखो ऐसा। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे यहाँ पे रिले ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन करेंगे ये रिले ऑन हो गया। रिले ऑन होगा यहाँ सप्लाई आएगा, सप्लाई आएगा तो विंडो काम करना चालू करेगा। देखिए तो लोकेशन इसका यहाँ पे आता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ही आता है। ये है इसका रिले, ये रिले ख़राब हो जाता है। अगर ये रिले ऑन नहीं हो रहा है तो आप इसका वायरिंग चेक कर लीजिए, इसमें मेन आएगा, दो मेन आएगा, एक ग्राउंड आएगा, एक सप्लाई आएगा। तो ये ऑन नहीं हो रहा है तो आपका यहाँ सप्लाई नहीं आएगा, तो सबसे पहले आपको रिले ही चेक करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये थी गेट्स ओल्ड मॉडल, ये सब कवर लगा के जो कवर लगा के गेट्स वाली थी हुंडई का ओल्ड मॉडल, नया वर्जन तो अलग है।